Hello guys, my name is Rumi Singh and you are watching me on Punjabi Reel TV. Hello guys, I am Ang from Indian Reactions. Hi guys, this is Rehan from M Bros Reactions. Hello guys, welcome back to our channel UV Reaction. My name is Vijay. So guys, intro to see dekh liya te aaj tuhanu pata hai intro to tuhanu pata lag gaya hona ke yaar apne naal aaj maujood ne Indian Reactions, VB Reactions and Ambrose Reactions. So, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕਾਇੰਡਫੁੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੋਕਸ ਆਫ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਆ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਜਾਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਮਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸੋ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ एक निकाह है भाई उस्मान अच्छा तुम्हारा बेटा तो लड़की का तो नाम लिखा नहीं अच्छा दूसरी तरफ खलील खलील कौन मार कितना है 600 पाउंड काफी लोग बैठे हैं अच्छा भाई औजु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النكاح بركة ايسره ما هنا ہاں بھائی عثمان عزیز عابدہ خلیل الرحمن بنت خلیل الرحمن کو 600 پاؤنڈ مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا एक हमारे इलाके का हमारे सही वाक्य आपको सुना रहा हूँ सुनो हूँ वाक्य एक हमारे इलाके का लड़का छोटी उम्र में बसों पे नौकरी लग गया और बसों की सफाई करना कैलेंडरी करना और वो ड्राइवर के साथ हेल्पर वो लग गया तो उनका काम होता है आमतौर पर गाड़ी का टिकटें वगैरह और गाड़ी को साफ करना फिर गाड़ी को कहीं आगे पीछे करना रिवर्स करना तो उस्ताद जी आण दो उस्ताद जी जान दो ये उनका मुहावरा बन जाता है आण दो जी आण दो आण दो जान दो जी जान दो उसका निकाह होने लगा तो मौली साहब ने कहा भाई फलाने दी थी 500 रुपए मार दे तेरे निकाह देती तू कबूल कीती आंदा जी आण दो उसका भाई बैठा था उसको कौन ही मारी तो कहने लगा जी जान दे उस बेचारे को जैसे इसको समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या कहना है तो उसको समझ में नहीं आया तो कहने लगा अच्छा जी जिम्मे सारे की सलाह हो तो फिर मौली साहब आखे नहीं नहीं सारे की सलाह नहीं तू आख मैं कबूल किया अच्छा तू आख मैं कबूल किया हाँ ठीक है हूँ होया तेरे निकाह मैं सुनाया सुना तेरा काम सुना के फिर बस करता हूँ मेरी जिंदगी सफरों में गुजर गई जौक था पढ़ने पढ़ाने का मुकद्दर में तबलीग थी तो बस कभी अर्श पर कभी फर्श पर कभी उनके दर कभी दर बदर हमें आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया कभी रास्तों में तन्हा कभी हूँ गुरूद सहरा मैं जुनून का हम सफर हूँ मेरा कोई घर नहीं है तो जिंदगी गुजर गई सड़कों पर फिर ट्रकों बसों के पीछे जुमले होते हैं मैंने जोड़े हुए हैं तो नई बस के पीछे लिखा होता है वेख टोर चकोरी चकोर नखे से चलता है मैंने जाम्बिया के जंगल में चकोर देखा ना तो मुझे पता चला कि वेख टोर चकोरी का क्या मतलब है तो चकोर बड़े नखरे से चलते
जब पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करें, जब और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर, जब और पुरानी होती है एक मलंग बनाओ तो लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। पुरानी को जब रंग रोगन हो जाता है तो फिर लिखो था खुदा ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। ये तो है लायानी। लेकिन एक बामाना सुनाता हूं। मैं ऐसे ना किताब पढ़ रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ, तो थक के ना मैंने ऐसे सर ऊपर चेयर ऊपर उठाया, तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे, उसके पीछे एक जुमला लिखा था जिस पर मैं तो सुनाता हूँ आपको कि क्या कमाल है लुकमान की हिकमत उसने समो दी। लिखा था दिल बहुत बड़ा सुर्ख रंग के साथ दिल, आगे लिखा था बराए फरोख्त, बराए फरोख्त, नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल। एक मीठा बोल, एक मीठा बोल, क्या बात है। साहब मुझे मिलने आए, मेरे पास 10 PhD और हजारों एम्प्लॉयज थे, उसमें 10-15 PhD मेरे ख्याल से और आपका हो जाएगा शलवार उल्टी मीठे बोल से। अल्लाह की कसम मेंबर रसूल पे बता, उल्टी सुथन पात है आयो आयो पता ही कोई नहीं भी सलवार के पावणी ताडे जो ते बोझे जो दे आ आज दूसरे के कागज लेके पूरे वजह डिग्रियां है। जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब नो लानत मारो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, तो जॉब तुम्हारे पीछे फिरेगी, रिस्क तुम्हारे पीछे फिरेगा, राइट। और थोड़ा सा मशहूर हो जाओ तो फिर मुसीबत पड़ जाए। मुझे पता है बहुत मसरूफ हैं आप, मेरे लिए 10 मिनट फारिग नहीं कर सकते। ऐसे कुछ सैकड़ों अगर मैसेज रोजाना आए तो एक इथू ले आवे 10 मिनट हर वास्ते, फिर आखिर में मैसेज आएगा हाँ आप वजीरों की तो सुनते हैं गरीबों के नहीं सुनते। रात फोन खुला रह गया, कोई 2 बजे घंटी बजी, मैंने कहा यकीनन कोई इमरजेंसी, मैं जल्दी से उठा, मैंने कान को लगाया, जी मौलाना साहब टॉयलेट एक दुआ पढ़ सकने कि नहीं पढ़ सकते। मैं कहा तेरा बेड़ा बोल जावे ना मौलाना, ओ घड़ी तक वेट की बजे होया और तेरी पोटी केड़ी फंसी खलोती है मेरे। क्या बात है, इधर चढ़ दे मैं अपना 12 बजे तो समझ नु लगता है, तो 2 बजे गंपो खुला रह गया, याद नहीं रहा था ये मसला ये। सो गाइस ए सी आज दी एक वीडियो काफ़ी फनी यार, मैं कभी एक्चुअली मैं ये सोचा नहीं सीगा कि जड़े मौलाना जी ने यह तारिक जमील जी यह अंदरों इन्ने खुशनुमा इंसान भी है ना, मतलब हमेशा आप इन्हें वीडियोस देखियां वो थोड़ियां सीरियस है ना, मतलब एक इमोशनल या फिर जिदा रिलीजियस वीडियोस करते हैं, सो दैट्स वाई आई कांट इमेजिन दैट गाइज, बट ऑसम आई दी वीडियो काफ़ी घंट सी, एंड वाला जो एक जुमला मारता ने कि तेरी कड़ा पोटी फसी दैट वॉज सीरियसली ऑसम। सो गाइज बात करते हैं हम हूँ तो मैं थोड़ी हिंदी में गल करदा क्योंकि अपने नाल तुहानू पता अज होर भी काफ़ी जने हैगे है, सो उन्होंने भी गल्लां बात आप करनी है। सो मेरा क्वेश्चन यार पहले है मयंक भाई के लिए जो कि इंडियन रिएक्शंस की तरफ से हैं। मयंक भाई आप मुझे ये बताइए कि आपको तारिक जमील जी की कौन सी वीडियो जो अच्छी ज़्यादा लगती हैं, जैसे एक तो इनके फ़नी बयान हो जाते हैं ना कुछ, और एक रिलीजियस बयान होते हैं, और कुछ इनकी जो बातें होती हैं जो अपनी शेयर करते हैं सेलिब्रिटीज़ वाली, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तारिक जमील की मुझे सभी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो बयान हो या फिर कोई सेलेब से मुलाकात कर रहे हैं वो, क्योंकि यार सबको पता है कि मौलाना जो होते हैं वो इस्लाम से रिलेटेड होते हैं, इस्लाम की बात को आगे फैलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इस्लाम की बात रखते हैं, बट यार मेरे जैसा नॉन मुस्लिम भी तारिक जमील की बातें सुन के मोटिवेट होता है, तो आप ये पावर है तारिक जमील की, तो उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं कि ज़्यादा फेवरेट हो कम फेवरेट हो, उनकी बातें यार मिष्टी दोई होता है ना बंगाल में, मिष्टी दोई जैसी है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट मयंक भाई। सो
काफ़ी अच्छी बात की है आपने। और अभी रिहान भाई के लिए एक क्वेश्चन है जो कि एम्ब्रोज रिएक्शंस की तरफ से है, और यहाँ पे हम आज एक आप सबको ये सबूत भी मिल जाएगा यार, हम सिर्फ कोकली बातें नहीं करते हैं, सिख्स, हिंदू और कह सकते हैं मुस्लिम, हम तीनों आज एक साथ आपके साथ इस वीडियो का रिव्यू कर रहे हैं। तो रेहान भाई, आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से संबंध रखते हो, आप इस्लाम धर्म को हमसे ज़्यादा जानते हो, कि रेहान जैसे हमको जैसे पता नहीं है, सो जनरल नॉलेज के लिए हम लेते हैं, वैसे भी मुझे पता है आपको मयंक भाई बहुत छेड़ते रहते हैं सारा दिन हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप पे, और आपकी बहुत टांग खिंचाई होती है। सो रेहान भाई, मुझे ये बताओ यार कि जैसे मुस्लिम्स में बोला जाता है ना, तीन बार कबूल है कबूल है कबूल है बोला जाता तो शादी हो जाती है, और आप तीन शादियाँ या चार शादियाँ करोगे या एक से चला लोगे? पाजी, मैं ये बताना चाहूँगा आपको सबसे पहले तो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की एक शादी हुई है और वो एक शादी से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो मेरा उनको देख के एक तो शादी करने का ही मन नहीं करता, चार शादी तो दूर की बात है यार, एक शादी करने का भी मन नहीं करता मेरा तो। और हम ये भी देखते हैं कि आपकी शादी हो चुकी है, हमारे ग्रुप में साहिल की शादी हो चुकी है, तो आप दोनों का कितना कम इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये सब देखकर तो मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता यार, सीरियसली मेरा कोई मन नहीं है शादी करने का, लेकिन करना तो पड़ेगी, लेकिन करूँगा तो एक ही करूँगा, तीन चार तो भाई नहीं हो पाएगी, और इस महंगाई के ज़माने में तो दो तीन कर भी नहीं सकते। ठीक है गाइस, सो अगला क्वेश्चन मेरा है मयंक भाई के लिए कि भाई जैसे हम सबको बताया रिएक्शन कम्युनिटी के हम जितने भी बंदे हैं, कुछ हमारे साथ आज नहीं है, लेकिन हम सबको एक ईमेल आया था जिसमें हमको बोला गया था कि तारिक जमील की वीडियो पे रिएक्शन मत करो, और कहा था कि तुम कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो जो उनकी वीडियोज़ को रिव्यू करो, है ना, आपको ये हक नहीं है फलाना डवांका, है ना, बहुत कुछ लिखा था उस वीडियो में, एक लंबी मेल थी, और आप उस वीडियो उस ईमेल को कैसे देखते हो, आप उसको क्या सोचते हो कि वो ऑफिशियल है या फेक है, आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? जो हमें ईमेल मिला था मेरे ख्याल से अब वो शॉर्ट आउट हो गया, तो रहने देते हैं इसको, इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। सो विजय भाई, आप क्या कहना चाहोगे इसी टॉपिक के बारे में, जैसे मयंक भाई ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, सो आपका क्या मानना है इसके बारे में? संदीप पाजी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, मौलाना साहब की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना एक बहुत ही जो है डिफरेंट है नॉर्मल वीडियो से, बहुत ही ज़्यादा हटके है, और इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि इनकी वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसी साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सीख पाते हैं, और मेरा ये भी मानना है अगर हर कोई इनकी बातों को अपनी लाइफ में जो है अपना ले तो लाइफ जो है काफ़ी इजी हो जाएगी। बेसिकली हमें प्यार से रहना चाहिए, है ना, और जो ये एक दूसरों से लड़ते हैं वो हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, एक प्यार का और पीस का सुनेहा देना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली ननकाना साहब में जो गुरुपुरब मनाया गया गुरु नानक देव जी का, वहाँ पर इंडिया से श्रद्धालु वहाँ पर गए हैं, सिख यात्री वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर सेलिब्रेट किया है, तो इतना अच्छा है मौका बना, और उसके बाद अभी करतारपुर कॉरिडोर वो भी बन रहा है जो 6 किलोमीटर तक कॉरिडोर बनेगा, और उसमें 24 घंटे वो खुला रहेगा और पूरा साल खुला रहेगा, और कोई भी वहाँ विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। पहले हमें वाघा बॉर्डर से होकर फिर घूमकर जाना पड़ता था करतारपुर, क्योंकि करतारपुर एक ऐसी जगह जहाँ पे बाबा नानक ने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे हैं, तो ये सिख्स के लिए इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का कह सकते हैं कि मौका है, खुशी की एक खबर है। तो जैसे ये अभी पहला स्टेप एक दूसरे के लिए लिया गया है इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, सो मुझे लगता है अब कुछ लोग जो आपस में नफरत करते थे शायद वो भी अब आपस में खींचे जाएंगे और प्यार का सुनेहा मिलेगा, है ना। ओके, सो रेहान भाई थैंक यू सो मच यार फॉर योर आंसर्स, एंड मयंक भाई एंड विजय भाई आप दोनों का भी बहुत बहुत थैंक यू यार, आपने आज हमारे साथ हमारे चैनल पे अपना कीमती समय हमको दिया, और हम सब ने मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे से जो इस वीडियो का रिव्यू किया और हमको तो अच्छा ही लगा, बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं कि ऑडियंस को कैसा लगा। सो गाइस नीचे कमेंट करके यार बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमारी, और क्या आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में भी हम ऐसी कोलैबोरेशंस करें और आपके लिए लेके आएं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि हम आगे से ऐसी वीडियोस और करें, कोलैबोरेट करें एक दूसरे के साथ, तो हम डेफिनेटली गाइस हम ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना तो
बिल्कुल ही ना भूलना यार, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इन तीनों के चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ जाओ और वहाँ पे जाकर इनका चैनल भी यार सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे इंसान हैं ये तीनों बंदे, और मैं तो हुई अच्छा। सो गाइज जस्ट जोकिंग, सो हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप रखना अपना ख्याल, सत श्री अकाल, ते चक्की रखो ए दई।